بسم الله الرحمن الرحيم। मैं एक साहब के खाना खा के आया तो एक साहब कहने लगे आप उनके यहाँ खाना खाने गए थे, तस्वीरें वायरल हुई भी, आप गए थे क्या उनके यहाँ? कहाँ जी गया था। कहने वो तो रिश्वत लेते हैं, वो तो रिश्वत खो रहे हैं, आप खाना खा के आ गए। मैंने कहा तनख्वाह भी लेते हैं या नहीं? कहने यहाँ तनख्वाह तो 1 लाख रुपए है, 4 लाख उनके घर का खर्चा है। तो मैंने कहा मैं तनख्वाह के पैसों से खाना खा के आया हूँ, तुम्हें लोगों की बुराइयां ही नजर आती है बस भाई, हलाल का पैसा भी तो होगा। अगर मेरी कौम यानी सुन्नी शिया हम सब मुसलमान एक फार्मूले पर एक साल मिलकर अमल कर लें, जो सदियों से बिगाड़ है ना वो एक साल में ठीक हो सकता है, जो सदियों का बिगाड़ है वो एक साल में ठीक हो सकता है अगर हम उसमें अमल कर लें। और वो क्या है अमल, क्या करने की चीज है? वो ये है कि सिर्फ मुसबत चीजें देखिए, मनफी चीजें ना देखिए, अच्छा अच्छा देखिए, बुरा देखिए ही नहीं। हमें बुरा नजर ही नहीं आता, हमें तो वो आंख काम करती है जो अच्छा देखती हो, हमारी वो आंख देखती नहीं है जिसे बुरा नजर आए। अगर अच्छा अच्छा देखना शुरू कर देना, बुराइयों को नजरअंदाज कर दें तो बुराइयों को गलबा हो जाएगा, और फिर बुराइयों माफ कीजिएगा अच्छाइयों का गलबा हो जाएगा, और अच्छाइयों का गलबा खुद ब खुद बुराइयों को खत्म कर देगा। यानी बुराइयों को खत्म करने की कोशिशें करें या अच्छाइयों के फरोग की कोशिश करें, कौन सा काम आसान है? हम बुराइयों के खात्मे की कोशिश करें ये ज्यादा आसान है या अच्छाइयों को आम करने की कोशिश करें? अच्छाइयों को आम अगर करेंगे तो खुद ब खुद बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। और इसका फार्मूला नबी का दिया हुआ यह है, मौला अली फरमाते हैं कि नबी की नाक मुबारक कभी बदबू सूंघती नहीं थी। भाई फला आपके दोस्त में कोई अच्छाई भी होगी, फला आपके भाई में कोई अच्छाई भी होगी, सुन्नियों से कह रहा हूं शियों में कोई अच्छाई भी होगी, शियों से कह रहा हूं सुन्नियों में कोई अच्छाई भी होगी, बस जो अच्छाई है उसे याद करो, बुराइयों को छोड़ दो। सलावत पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद।